Hello friends, welcome back to An Academy. I am Dr. Suddha Tarora and I welcome you to a very interesting and something that is uh, to a certain extent my favorite topic to study and to teach so that you understand so many dynamics of polity from this topic that this is unbelievable. Okay, and this is also a made in India concept, so why not you know just study?

इंसानी फितरत है और बचपन में हम यह जरूरत से ज्यादा करते थे कौन ज्यादा स्ट्रॉग यह पूरा बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल थ्री सिक्सल इन दिस गेम कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्टीन so okay? के थ्री सिक्सटी एट ओके थर्टीन और थ्री सिक्सटी एट कॉम्पिटिशन करने से पहले मुझे यह पता होना जरूरी है कि वॉट इज आर्टिकल थर्टीन से इट इज अ वेरी आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल थर्टीन इज प्रेजेंट इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आराम आराम से चलो समझने की कोशिश करो तुम्हें मालूम है पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वॉट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स सो इट डील्स विद वॉट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स तुम्हें मालूम है फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी क्रूशल टू सिटीजन टू द इंडिविजुअल्स And these are guaranteed rights of the constitution. So the founding fathers na article 13 lika or used a word use kiya. a word use carefully. absorb it. Understand this picture gets should be very very clear. Founding fathers ne likha article 13 and says that there should be no law, no action, or no amendment of the constitution of India which will be in violation. Which will be in abridgment, which will be in contravention to anything in Part Three of the Constitution. मेरी बात ध्यान से समझो वॉट इसको long and short, uh, plain language में समझो Plain language में इसका मतलब ये है कि dear state, स्टेट, स्टेट अब सबको समझ में आ चुका है मैं बार बार हर लेक्चर में स्टेट पता है बट फिर से एक और पता जाता तो, मेरी भी आदत से मैं मजबूर हूं सो यू हैव what इज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या बोला जा रहा है स्टेट को बोला जा रहा है डियर स्टेट तुम कोई लॉ पास करना है करो कोई ऑर्डर पास करना है करो कोई एक्शन करना है करो कोई अमेंडमेंट करना है करो लेकिन टच भी मत करना मैं बोल रहा हूं छूना भी मत टच भी मत करना पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उस टच भी ना करना को टेक्निकली बोला जाता है वायोलेशन एब्रिजमेंट एंड कि बोला कि तुम सब कुछ करो लेकिन यह मत करना यू कैन नॉट टच यू कैन नॉट वायोलेट यू कैन नॉट अब्रिज यू कैन नॉट कॉन्ट्रावीन एनी थिंग इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला जाता है फंडामेंटल राइट आ सेक्रोसैक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आर फंडामेंटल राइट सेक्रोसैक्ट इसको हम बाद में आंसर देंगे लेकिन अभी के लिए सेक्रोसैक्ट है सेक्रोसैक्ट मतलब ये तुम्हारी पहुंच के दूर है भाई यू कैन नॉट टच इट यू कैन नॉट डिस्टर्ब इट यू कैन नॉट वायोलेट इट यू कैन नॉट एब्रेज इट यू कैन नॉट कॉन्ट्रावीन इट यू कैन नॉट टच और वायोलेट और एब्रेज और कॉन्ट्रावीन फंडामेंटल लाइफ अभी तक की स्टोरी के अनुसार इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर जाएगी माई फ्रेंड्स ये पूरी मूवी है ओके okay? इस मूवी में सस्पेंस भी है ड्रामा भी है हीरो भी है हीरोइन भी है, हीरो भी है, हीरो भी है। ओके okay, तुम्हें तो बड़ा इन्जॉय करेंगे ओके okay, मैं कौन हूं बता नहीं मैं डायरेक्टर हूं शायद इस मूवी का ओके okay, नहीं नहीं डायरेक्टर नहीं मैं प्रोड्यूसर हूं छोड़ो वो भी नहीं हुँ. मैं शायद ऐसे ही हूं हम लोग सिर्फ इस मूवी को देख रहे हैं ओके okay, हम कुछ भी नहीं है बट अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हम इसके डायरेक्ट एफेक्टेड पीपल जरूर है ओके okay, सो तो इस मूवी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था तो नाइनटीन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक अगर मैं पढ़ू तक डे वन तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल राइट ऑफ एंड एज सिटीजन मैं बड़ा खुश हूं वाह यार फंडामेंटल राइट क्या चाहिए और रिसर्च ओके अब मुझे इसका दूसरा साइड देखना है दूसरा साइड इज आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट रिमेंबर हमारी स्टोरी थर्टीन स्ट्रॉगर है कि थ्री सिक्सटी एट स्ट्रॉगर है ना वट इज थ्री सिक्सटी एट सेंगे आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट क्या बोल रहा है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट इज प्रेजेंट इन पार्ट ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन

से कोई निकाल लेना या कुछ वर्ड्स को चेंज कर लेना ऑल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट पावर आर्टिकल 368 में सिर्फ पार्लियामेंट को मिली है और वहां लिखा हुआ है दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ थोड़ा सा गड़बड़ है ओके इफ यू पे अटेंशन बहुत ध्यान से देख रहे हो तुम टाइम पास में वीडियो देख रहे हो तो फिर तो मैं कुछ नहीं तुम्हारी मदद कर सकता लेकिन अगर तुम ध्यान से सुन रो तो कुछ यहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट आ गया यहां पर था क्या यहां पर था नो लॉ नो एक्शन नो अमेंडमेंट कैन वायोलेट अब्रेज कॉन्ट्रावीन एनी इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो तुम पार्ट थ्री को टच भी नहीं कर सकते अब ध्यान से सुनो अब आर्टिकल 368 सिक्सटी एट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट से आई हैडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड आई कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे फ्रेंड्स लॉ में ना इमोशंस नहीं होते सेंटिमेंट्स नहीं होते अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना होता जब आप बुक पढ़ रहे हो लॉ में देर इज अजिस्लेटिव विज्म जब फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो फाउंडिंग फादर्स ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा ओके okay? तो हमें उनको मानना है अपनी बुद्धि का प्रयोग इस मामले में हम नहीं कर सकते यू कैन यूज योर ब्रेन टू इंटरप्रेट बट यू कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट यू फील लाइक ये आपका मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लेकिन ये आपने और मैंने नहीं बनाया तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसमें एक चीज लिख दी थर्टीन में बोला यू कैन नॉट टच पार्ट थ्री ओके थ्री सिक्सटी एट में बोला यू कैन अमेंड एनी पार्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग ये क्या हो गया है एक यहां से आ रहा है और एक एरो ठीक ऑपोजिट आ रहा है एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हिट ईच अदर व्हाई? क्योंकि ये बोलता है आर्टिकल थर्टीन बोलता है कि यू कैन नॉट वायोलेट यू कैन नॉट अब्रिज यू कैन नॉट कॉन्ट्रावीन पार्ट थ्री और 368 बोलता है

बेसिक बेसिक डिस्कशन इस बात पे है कि 13 कुछ और बोल रहा है और 368 कुछ और बोल रहा है एंड बोथ ऑफ देम आर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर एंड व्हेन देर इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो हमें ये डिसाइड करना जरूरी हो जाता है कि थर्टीन स्ट्रॉगर या थ्री सिक्सटी ये इस स्टोरी की इंट्रोडक्शन है दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी Of how we ultimately led to formation of basic structure doctrine of the constitution of India. How will we balance these two problems where one is 13, the other is 368? We will have to decide which is stronger. Please understand a very crucial element. What is the underlying statement behind this? The underlying statement over here is that the underlying statement here is is 13 the stronger one? or is 368 the stronger one now story start hoti hai bahut pehle okay all the way in 1950 so we have a new prime minister in the form of pandit jawahar lal nehru now us time par india was a very poor country so for development in india we needed land aur land us time par tha zamindars ke paas most of the land the zamindars or the bhumiyas or the landlords

कि देर वॉज एन आर्टिकल थर्टी वन इन द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा दिमाग लगाओ आर्टिकल थर्टी वन कौन से पार्ट में article 31 आएगा आर्टिकल थर्टी वन आएगा पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री क्या है पार्ट थ्री इज फंडामेंटल राइट नाउ सो नेहरू जी को पता चला कि यार यहां तो आर्टिकल थर्टी वन है जब आर्टिकल थर्टी वन है तो वॉट विल हैपन आर्टिकल थर्टी वन होगा तो अगर नेहरू जी पासिस एनी लॉ नेहरू जी पास एनी लॉ और दस एनी एक्शन और दस एनी अमेंडमेंट एंड ट्राइज टू टेक लैंड फ्रॉम द जमींदार तो होगा क्या जमींदार विल रन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट को पता आएंगे कि माय लॉर्ड देखो नेहरू जी क्या कर रहे नेहरू जी इज वायोलेटिंग अब्रिजिंग एंड कॉन्ट्रावीनिंग माई आर्टिकल थर्टी एंड तो सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर इट एस अल्ट्रावाइज तुमने मेरा जुडिशियल रिव्यू वाला लेसन देखा होगा नहीं देखा होगा तो प्लीज आके देखिए जुडिशियल रिव्यू के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्राइक के डाउन उसको नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं so, सो नेहरू जी बिकेम वेरी वेरी नर्वस की भाई ये तो बड़ी मेजर गड़बड़ोगी मुझे चाहिए लैंड लैंड के बिना मैं डेवलपमेंट नहीं कर सकता और लैंड के लिए अगर मैंने कोई लॉ पास किया तो ये जमींदार भाई सब चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो भाई तो, भाई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट विल इट नल एंड एनवाइड तो हम कैसे लैंड लॉस पास करें भाई हम तो फंस गए इंडिया कैसे अपना काम खत्म करेगा सो so, नेहरू जी को पास करने थे लैंड लॉस लेकिन आर्टिकल 31 की प्रेजेंस में आप ये कर नहीं सकते सो so, नेहरू जी ने सोचा द गवर्नमेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एट दैट टाइम थॉट कि द टाइम हैज कम टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वरना ये पॉसिबल ही नहीं होगा सो so, नेहरू जी यूज आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट आई होप सबको याद है पार्लियामेंट कैसे अमेंडमेंट करता है पार्लियामेंट अमेंड करता है पासिंग इज कॉल्ड मेकिंग अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट यूज किया और इंसर्ट किया क्या इंसर्ट किया आर्टिकल थर्टी वन ए आर्टिकल थर्टी वन बी एंड द नाइन्थ शेड्यूल क्या क्या इंसर्ट किया आर्टिकल थर्टी वन एर्टी वन बी एंड द नाइन शेड्यूल ये थर्टी वन एटी वन बी एंड शेड्यूल करने के बाद नाउ वॉट आर कॉल्ड लॉस ना थर्टी वन थर्टी वन एंड शेड्यूल क्या बोल रहे थे वो कुछ ऐसा बोल रहे थे वी कैनोट गोइंग टू डिटेल्स एट दिस टाइम बिकॉज वी डोट हैगजरी ऑफ टाइम वो ये बोल रहे थे दैट इवन इफ इवन इफ फॉर लैंड

यू कैनॉट डू दिस सो आर्टिकल थर्टी वन की जो अमेंडमेंट थी दैट वॉज ब्रॉट अबाउट इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन सो नेहरू जी की यह गवर्नमेंट ने क्यों किया था क्या एड किया था इसको याद रखना यह तुम्हारा प्रिजेंस क्वेश्चन हो सकता है क्या एड किया था थर्टी वन ए थर्टी वन बी एंड द नाइन्थ शेड्यूल हाउ एवर क्योंकि ऐसे अमेंडमेंट करना भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है सो दिस अमेंडमेंट विच अमेंडमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन वॉज चैलेंज इट वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया कौन सा केस था मत शंकरी प्रसाद कोर्ट में यह अमेंडमेंट चैलेंज की गई कि माइलॉडी कैसे कर सकते हैं नेहरू जी यू के नॉट टाइम थर्टी वन एटी वन बी एन दाइन शेड्यूल इट इज हिटिंग माई फंडामेंटल राइट तो एक्चुअली सवाल क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्चुअली सवाल यह है कि माय लॉर्ड इज आर्टिकल थर्टीन स्ट्रॉगर और इज आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट दो में से एक सवाल क्या सवाल नंबर वन इज आर्टिकल थर्टीन स्ट्रॉन्गर और इज आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट क्योंकि अगर आर्टिकल थर्टीन स्ट्रॉन्गर अगर आर्टिकल थर्टीन स्ट्रॉन्गर तो होगा क्या अगर थर्टीन स्ट्रॉन्गर तो नेहरू जी कैन नॉट डू दिस अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368 सिक्सटी एट तो पार्लियामेंट और नेहरू गवर्नमेंट इज अलाउड टू डू दिस आई यू अंडरस्टैंडिंग अभी इस बात में बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है कॉन्स्टिट्यूशन किसको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ऑल एवरीथिंग हैज टू बी डन एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड देर फो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट करता है However, हमें इसमें क्या नोटिस करना था कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा डेंजरस आंसर देना था क्योंकि अगर मैं सिर्फ शब्दों को देखो ना अगर मैं थोड़ा सा ऐसा सिर्फ इंटेलिजेंटली रीड करूं तो एक बड़ा क्लोज कॉन्फ्लिक्ट माई फ्रेंड्स इतना आसान है नहीं है, जितना आपको लग रहा है थर्टीन में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस विजम में अपने इस जजमेंट में आंसर दिया इट इज इन देयर ओन विजडम दे सेट देयर इंटरप्रिटेशन दे सेट कि जो हमें पढ़ने को आ रहा है इस केस में द सुप्रीम कोर्ट सेड अकॉर्डिंग टू आर वर्जन आर्टिकल 368 सिक्सटी एट इज स्ट्रॉगर एंड देयर फोर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट कैन अमेंड और टच ए समथिंग इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो आई होप तुम समझ गए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल थर्टी वन ए आर्टिकल थर्टी वन बी एंड आर्टिकल थर्ट एंड शेड्यूल वर्ड एज वैलिड एंड लीगली एक्सेप्टेबल डू यू अंडरस्टैंड इस वॉर में इस गेम में जो पहला राउंड गया जो फर्स्ट बैटल वन वॉज वन इन द फेवर ऑफ आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट थोड़ा सा रिकेप कौन सा केस था केस था शंकरी प्रसाद वॉज इस यूनियन ऑफ इंडिया क्या सवाल था सवाल था कि 13 बड़ा है कि 368 सिक्सटी एट स्ट्रॉगर है कि थ्री थर्टीन स्ट्रॉगर है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू जी की गवर्नमेंट ने पास किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिसमें उन्होंने तीन आर्टिकल्स तीन चीजें ऐड की थी थर्टी वन ए थर्टी वन बी एंड नाइन्थ शेड्यूल क्यों किया नेहरू जी ने नेहरू जी हैट टू डू दिस बिकॉज ही टू हैव लैंड एंड लैंड कुड नॉट हैव बीन टेकन अवे बिकॉज हैल थर्टी वन सो आर्टिकल थर्टी क्या था Article 31 was a fundamental right called as compulsory acquisition of property. Say the word, what is this? Compulsory acquisition of property. Compulsory acquisition of property. Ke tehit, okay, Zamidas, Yajin land? Tha, wo unka fundamental right. Tha. So Nehruji cannot or could not have taken away this land until unless he would have amended Article 31. आर्टिकल थर्टी वन अमेंड किया गया बाय विच अमेंडमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या डाला हमने हमने डाला थर्टी वन थर्टी वन बी एंड शेड्यूल कहा चैलेंज हुआ शंकरी प्रसाद में क्या डिसाइड हुआ कि नेहरू जी करेक्ट है। आई यू अंडरस्टैंड राउंड वन पिक्चर क्लियर वी गो टू नाउ अब कुछ कहानी यहां तक तो ये जो हमने किया वो 1951 वन में था जिस तरह से शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज हुआ था वेन इट वॉज चैलेंज इन द शंकरी प्रसाद केस राइट एट दैट टाइम इट वॉज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ थ्री सिक्सटी एट लेटर ऑन इन नाइनटीन सिक्सटी फोर एक और केस हुआ था विच वॉज कॉल्ड एज सज्जन सिंह केस सज्जन सिंह केस में फिर से ऐसे ही अमेंडमेंट हुआ तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला थ्री सिक्सटी एट इज स्ट्रांगर तो दोनों राउंड्स में दो बार चैलेंजेस हुआ दोनों राउंड्स में द बैटल हैज बीन वन बाय थ्री सिक्सटी एट तो आज तक तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि यार कोई बचने का चांस ही नहीं है भाई थ्री सिक्सटी एट इज द स्ट्रांगर वन थर्टीन इज नॉट द स्ट्रांगर वन लेकिन एक चीज चेंज हो गई दो अलग अलग ग्राउंड में दो अलग अलग चीजें चेंज हो गई एक हुआ ध्यान से सुना ओके एक हुआ पॉलिटिकल वर्ल्ड में चेंज और एक हुआ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में चेंज एक जस्टिस थे जस्टिस हिदायतुल्ला जो लेटर ऑन बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एट वन टाइम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्ला ने सज्जन सिंह केस में उके? एक स्टेटमेंट थी उसमें ये थी कि आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं कि 368 लग रहा है दैट इट इज स्ट्रॉगर देन 13 लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ये भी है मेरी बात ध्यान से सुनो विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ये भी है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट आर वेरी वेरी प्रेशियस इसीलिए बड़ा सोच समझ के बड़ा देख दाख के एंड नॉट एज अ रूटीन मेजर नॉट एज अ रूटीन मेजर 368 इस्तेमाल किया जाना चाहिए अगेंस्ट थर्टीन जब जस्टिस हिदायतुल्ला की ये स्टेटमेंट आ गई अचानक पूरा सुप्रीम कोर्ट में बाकी सारी जुडिशरी में थॉट आया कि एक्चुअली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वेरी हैप्पी ओके और वो रिकवर हुआ 1967 में और इस 1967 में कुछ और भी हो चुका था जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका था हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नई आ गई थी हर नेम वाज इंदिरा गांधी नाउ इंदिरा गांधी आई वाज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एंड अ वेरी एंबिशियस लीडर और उनका ये विश्वास था उनका ये 100% विश्वास था दैट द रियल पावर शुड बी वेस्टेड विद द पार्लियामेंट द रियल पावर शुड बी विद द पार्लियामेंट एंड बिकॉज द रियल पावर शुड बी विद्लियमेंट वाई बिकॉज पार्लियामेंट है पीपल तो उनका यह विश्वास था कि 368 होनी चाहिए. 368 पे सवाल या निशान नहीं होना चाहिए मार्क्सुडी नो लिमिट ऑन थ्री सिक्सटी एट दो चीजें हो रही है okay? okay? now. Now, दो चीजें हो रही है वन साइड यू है इंदिरा गांधी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया

गोलकनाथ जजमेंट जैसे ही आई राइट तो इट वॉज डिसाइडेड बाय एन इलेवन जज सुप्रीम कोर्ट बेंच इलेवन जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह डिसाइड किया कि जो पहली दो जजमेंट थी हम उनके ऑपोजिट डिसाइड करें वी आर ओवर रूलिंग द सज्जन सिंह केस एंड वी आर ओवर रूलिंग द शंकरी प्रसाद केस वॉट डेज गोलकनाथ जजमेंट सेट गोलकनाथ जजमेंट सेट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग अ वेरी क्रूशल एलिमेंट क्या बोल रही है पहली बार गोलकनाथ जजमेंट ने यह बात बोली कि यू कैन डू एनी थिंग डियर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट डियर पार्लियामेंट यू कैन यूज आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट एंड डू एनी थिंग तुम्हें जिस चीज को अमेंट करना है करो जो चीज लाना है करो बट फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकते और उन्होंने एक लाइन दी वो लाइन ये थी कि फंडामेंटल राइट आर अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया धमाका हो गया माई फ्रेंड्स धमाका इज नॉट द वर्ड कुछ और ही वर्ड होना चाहिए पूरा पार्लियामेंट हिल गया क्या बात कर रहे हो यार पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे 368 की पावर पे लिमिट ओके अब हमें यह सोच समझ कर करना पड़ेगा कि हम थर्टीन को हो के वीकर है वी नॉट टच फंडामेंटल राइट तुम्हें मालूम है कितने सारे फंडामेंटल राइट्स है तुम्हें तो मालूम है कितनी सारी ऐसे ऐसे सिचुएशन हो सकती है जिसमें नाउ द पार्लियामेंट विल है कि भाई अब हम कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं पता नहीं यार ये वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 13 ना हो जाए क्योंकि द मूवमेंट वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 13 होगा सिटीजन भागेंगे सुप्रीम कोर्ट सिटीजन भागेंगे हाई कोर्ट हमारी तो पावर लिमिटेड होगी दूसरी तरफ प्रॉब्लम एक और ये थी कि इस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी मैडम थी इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर उनको ये चीजें बिल्कुल ना थी क्या यार ऐसे धोड़ना करते ओके हाउ कैन दे टेक अवे माई पावर्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी ऑल द वे टाइनटीन सिक्सटी सेवन देर वॉज आर्टिकल थ्री सिक्सटी वॉज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड गोलकनाथ जजमेंट शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड शुक द वेरी पावर डायनामिक्स इन इंडिया okay what is stronger 13 and 368 and congratulations for the first time the supreme court itself has decided that 368 is stronger than article 13 oh sorry 13 is stronger than 368 for the first time fundamental rights have been considered as sacrosanct so do you realize this was a very very major change in india at that time now story is not even close to be over because

अब वर्ड्स को थोड़ा सा ग्रेविटी ऑफ दिस वर्ड्स को समझो थोड़ा सा रिलैक्स अंडरस्टैंड दिस तब तुम्हें समझ you know में आएगा यू नो वॉट ट्वेंटी वन में मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल थर्टीन को ही अमेंड कर दिया प्रोवाइडेड okay? कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नथिंग इन आर्टिकल थर्टीन

ओके सुप्रीम कोर्ट राजाओं की तरह नहीं बिहेव करते सुप्रीम कोर्ट रीड्स लॉ लाइक इट कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल थर्टीन पढ़ा होगा व्हेन द सुप्रीम कोर्ट मस्ट आर्टिकल 13 दे मस्ट गोलकनाथ जजमेंट प्रीवियस जजमेंट इन गोलकनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट मस्ट आर्टिकल 13 तो उनको कुछ मिला होगा एक्सवाइज कुछ तो मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आर्टिकल थर्टीन इज आर्टिकल देन आर्टिकल थ्री थोड़ा दिमाग लगाओ यह सुनो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो जो पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने थर्टीन में देखा होगा थ्री सिक्सटी एट में देखा होगा थर्टीन में कुछ तो मिला होगा ना भाई पढ़ते टाइम कि भाई ये कुछ अक्षरों की वजह से इस कॉमा की वजह से इस फुल स्टॉप की वजह से इस अल्फाबेट की वजह से हमें ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि थर्टीन इज स्ट्रॉगर देन थ्री सिक्सटी एट ये तो गोलकनाथ जजमेंट थी ना माइ फ्रेंड्स तो इंदिरा गांधी मैडम क्या बोल रही है okay, so found, ये कुछ भी जो तुम्हें एक्स वाई जेड दिखा था नथिंग इन दैट आर्टिकल थर्टीन शेल अफेक्ट दावर ऑफ थ्री सिक्सटी एट तो इन अ वे शी इज रियक्टिंग गोलकनाथ जजमेंट यू रियलाइज दिस नाउ when शी इज reacting टू गोलकनाथ जजमेंट उन्होंने actually क्या कर दिया? ध्यान से सुनो, उन्होंने actually 368 को अनलिमिटेड बना दिया Are यू अंडरस्टैंडिंग हमारा बार बार यही लाइन आ रही है 13 आर्टिकल is article 368 अनलिमिटेड बाय पासिंग द ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन मैडम इंदिरा गांधी हैज मेड और एटलीस्ट अटेपिंग टू मेक आर्टिकल थ्री सिक्स अनलिमिटेड नॉट लिमिटेड बाय एनी वन अब थोड़ा सा इस बात को समझो एंड गेट दिस पे यू नो माई फ्रेंड क्या दिक्कत क्या है नो you know, ये प्रॉब्लम क्या है तुम्हें तब पार्लियामेंट से परेज क्यों है ओके वाई आर वी वाई आर वी सो स्थिज अबाउट नॉट गिविंग अनलिमिटेड पावर्स टू थ्री सिक्सटी एट द रीजन माई फ्रेंड्स द रीजन हेयर इज माई फ्रेंड्स की डेमोक्रेसी में किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में डेमोक्रेसी में स्पेशली नथिंग शुड भी अनलिमिटेड अनलिमिटेड का स्कोप नहीं होता माई फ्रेंड्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब क्या भाई तुम बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो नो प्रॉब्लम बट यू आर नॉट अनलिमिटेड वाई बिकॉज तुमको आंसरेबिलिटी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए यू हैव टू बी आंसरेबल टू समी इसीलिए बोला जाता है वी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है आंसरेबल हम अनलिमिटेड नहीं हो सकते ठीक है, है यार तुम बहुत पावरफुल प्रेजिडेंट हो नो प्रॉब्लम बट यू हैव टू बी आंसरेबल यू हैव टू के नॉट बी अनलिमिटेड फिर तुम्हें क्वेश्चन आएगा जा, जा, तो चीफ जस्टिस अरे बाबा चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने पावरफुल पोजिशन है ना होंगे लेकिन नॉट अनलिमिटेड यू कैन नॉट बी अनलिमिटेड इन डेमोक्रेसी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये डेमोक्रेसी का एक मच एक थम रूल है ओके यू कैन नॉट बी अनलिमिटेड राइट जब तुम अनलिमिटेड हो नहीं सकते तो तुमने बना दिया आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड जब आर्टिकल 368 सिक्सटी एट अनलिमिटेड हो गई तो किसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ गई आई होप यू रियलाइज पार्लियामेंट के पास अब मैं तुम्हें कुछ एक बात बोलूंगा उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो अगर तुम इंटेलिजेंटली थिंक करोगे तो बहुत आगे पहुंच जाओगे पॉलिटी में देखो मैं फिर मजबूर हो जाता हूं ओके मुझे कुछ चीजें बहुत जल्दी करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंस राइट अब इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि इफ यू आर नॉट टू मच ऑफ ट्रबल प्लीज मुझे प्लस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करो ओके वी कैन हैव दिस डिस्कशन फार मोर डिटेल मुझे ये दस घंटे की चीज पांच मिनट में करनी पड़ती है बट लेकिन सिंपल सी बात है बट मैं फिर भी तुम्हें एक बात पूछता हूँ वॉट इज डिक्टेटरशिप सपोज मैं तुमसे एक सवाल पूछूँ तानाशाही क्या होती है वॉट इज डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप होता है जो मेरी मर्जी मैं करूंगा जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा ये मैं डिक्टेटर हूं चाहे वो सदाम हुसैन की स्टोरी हो चाहे गद्दाफी साहब की स्टोरी हो चाहे स्टालिन की स्टोरी हो चाहे किसी भी डिक्टेटर की बात हो आई डोंट केयर ये उनकी कंट्री की प्रॉब्लम है तो मुझे ज़्यादा उसके किसी में इंटरफेयर नहीं करना लेकिन तानाशाही एक्चुअली जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगा अब दो मिनट के लिए सोचो ठीक है हम लोग क्या है हम तानाशाह नहीं है हम डिक्टेटर्स नहीं है हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री में मैं तब रूल करता हूं ध्यान से सुनना मैं तब रूल करता हूं जब तुम लोग मुझे वोट देते हो ठीक है तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू तो द लोकसभा आई एम हैविंग अ मेजोरिटी गवर्नमेंट इन द लोकसभा एक बात मान रहा हूं तो लोकसभा में कितनी सीट्स होती है साढ़े पांच सौ क्या सर फाइव है ना तो मैं एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बना और 500 सीट्स आउट ऑफ 543 मेरी है मेरी पार्टी की कितनी है 500 आउट ऑफ 543 अरे फाइव हंड्रेड आउट ऑफ फाइव फोर्टी थ्री अगर मेरी है मुझे तुम्हें तो पूछना पड़ेगा मुझे किसी को जवाबदारी करनी पड़ेगी तानाशाह नहीं बन जाऊंगा मेरी मर्जी तो वर्ड था 500 है या 543 में से लोकसभा में सपोज ऐसी कुछ मेजोरिटी मेरी राज्यसभा में भी हो ऐसी कुछ मेजोरिटी मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट में भी हो बाबा मैं तो किंग बन जाऊंगा या प्रैक्टिकली किंग हो जाऊंगा ऑल दो ऑल दो आई डेमोक्रेटिकली बट आई मे स्टार्ट बिहेविंग डिक्टेटोरियली ये सो नो इसीलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है डेमोक्रेसी में भी मेरे को बड़े ध्यान से काम करना चाहिए ओके इसलिए बोला जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बहुत बार न्यूज में होता है कि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में के जितना जरूरी रूलिंग पार्टी होती है एज इंपॉर्टेंट एज इट इज टू हैव द रूलिंग पार्टी उतनी ही जरूरी ऑपोजिशन होती है उतना ही जरूरी विपक्ष होता है तो सत्ताधारी पार्टी के साथ रूलिंग पार्टी के साथ यू शुड हैव इक्वल ऑपोजिशन ऑल्सो वरना देर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस देर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस और चेक्स एंड बैलेंसेस के बिना माई फ्रेंड्स देयर इज अ वेरी डेंजर एलिमेंट कि डेमोक्रेसी ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग डिक्टेटोरियली अब एक तो ये चांस बहुत बड़ा है दूसरे बात है तुमने अपने आप को पावर्स भी बहुत बड़ी दे दी दैट इज आर्टिकल 368 तो अगर तुम अपने आप को इतनी अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हो प्लस तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यू आर इन अ वेरी वेरी डेंजरस सिनारी क्या डेंजरस डेंजरसियो है भाई तुम्हारी गई डेमोक्रेसी बाय बाय गेम अप कल ना मैं पार्लियामेंट हूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं प्लस मेरे पास अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आ गए आर्टिकल थ्री में एट में तुम्हारी डेमोक्रेसी गुड बाय टेक केयर बाय बाय हस्तल अवस्था गेम अप ओके अब नहीं आने वाली डेमोक्रेसी देअर फोर जब ट्वेंटी तो पूरा देश घबरा गया पूरा हिंदुस्तान में डर आ गया शेयर उठा कि भाई ये खेल खत्म हुआ डेमोक्रेसी इज बाय बाय देयर इज नो फर्दर डेमोक्रेसी लोकतंत्र बाय बाय बिकॉज ऑल द पावर्स विल नाउ बी टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट विल गेट अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 368 उसकी जो एक परसेंट की लिमिट थी ना

So, the 24th Constitutional Amendment Act 1971 itself was challenged. Our word challenge was in the largest case of India ever till date. Aaj tak bhi itna lamba, bada case nahi hua. That case was the 24th, uh, sorry, that case against the 24th Constitutional Amendment Act 1971 was called as Keshwananda Bharati was the state of Kerala in 1973. Ye itna bada case tha ki 13 judges Supreme Court bench, ek bethe, a 13 judge Supreme Court bench sat down. टू डिसाइड दिस मैटर क्वेश्चन तीन थे तीन थे माइ फ्रेंड्स थ्री क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन माई लॉर्ड इज ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वैलड और नॉट पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन माई लॉर्ड याद है हमारे पास एक गोलकनाथ जजमेंट थी इज गोलकनाथ जजमेंट राइट और रॉन्ग ओके एंड द थर्ड क्वेश्चन वेरी क्रूशल क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन वॉज माई लॉर्ड वो पुराना क्वेश्चन माई लॉर्ड फाइनली बता दो थर्टीन इज स्ट्रॉगर और थ्री सिक्सटी एट इज्रॉगर बड़ा अजीब सा क्वेश्चन सही है कुछ सवालों के माय फ्रेंड्स जवाब नहीं होते तो हमको जवाब इन्वेंट करना पड़ता है समटाइम्स देर इज नो आंसर टू अ क्वेश्चन देन यू हैव टू एक्चुअली इन्वेंट अ ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं कि समुद्र स्ट्रांग है कि माउंटेन स्ट्रांग है पहाड़ पर्वत स्ट्रांग होता है कि समुद्र स्ट्रांग होता है जितने मुंह उतने जवाब आएंगे जितने मुंह उतने जवाब कोई बोलेगा कि सर पत्थर होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है कोई बोलेगा नहीं नहीं सर पानी बड़ा स्ट्रांग होता है ऐसे ही सवाल बार बार आते हैं आग ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि पानी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड सो ऑन एंड सो कुछ सवालों के जवाब ही नहीं होते और ये कुछ ऐसे ही हो गया यू you नो know, एक मूवी है बैटमैन की डार्क नाइट उसमें होती है वेन एन इजिस्टिबल पावर मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स तो कैसे रुके तो ये कुछ अजीब सी बात है कुछ ऐसा ही फंडा था एक जगह पे था थर्टीन एक जगह पे था एट देखा जाए तो दोनों ही करीब करीब बराबर है ये बोल रहा है डोंट टच मी नो वायोलेशन नो अबरेजमेंट कॉन्ट्रोवेंशन ये बोल रहा है कि बाबा आई कैन टच एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा दुविधा में था थर्टीन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर दैट टाइम लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीक्री छे महीना सात महीना ये मैटर चलता रहा बेस्ट द बेस्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स ने आर्ग्यू किया नानी पालखी वाला राम जेठमलानी फलीना रेमन सर नेम एंड देम और सब ने आर्ग्यू किया छह महीने बाद सात महीने बाद जब ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री को यह जजमेंट आई तो एक बड़ा अजीब व गरीब सी स्थिति थी बड़ी मेजर अजीब व गरीब स्थिति थी, थी उसको समझने की कोशिश करो अगर तुम इस बात को समझ जाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा अदरवाइज घूमते रहो पहले इसको आंसर क्या दिया गया फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हम बाद में देखते हैं फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया माय फ्रेंड्स यू नो इंडिया एज अ कंट्री एक आइडिया है इट इज एन आइडिया जोग्राफिकली तो हम लोग एक लैंड मार्क्स है वी आर अ ज्योग्राफिकल लैंड मार्क्स वी हैव अ सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन बट इंडिया इज बेस्ड अपॉन एन आइडिया वैसे हर कंट्री एक आइडिया पे होती है पाकिस्तान भी एक आइडिया पे है ओके okay?

मुझे नहीं पता अभी मैं उनसे लाइन नहीं बोल रहा बट मैं इनसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दे रहा हूं इस आइडिया को हम बोलते हैं द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट कॉल्ड एस द फैब्रिक ऑफ फैब्रिकॉर्डरी सेकेंड इज नो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्री इट इज गिविंग करीब करीब अनलिमिटेड पावर्स टू द जुडिशरी लेकिन इसके साथ एक चीज और पता चल गई हमको बेसिक स्ट्रक्चर से मुझे एक और बात यह पता चली कि जो ये फंडामेंटल राइट्स की कहानी थी ना ये जो फंडामेंटल राइट की कहानी थी इसका जवाब आ गया मेरे दोस्तों फंडामेंटल राइट लिख लो कहीं पर दीवारों पर बड़ा बड़ा इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर इसका मतलब है यूजिंग आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट यू कैन एड और मॉडिफाई योर फंडामेंटल राइट इसका क्लासिकल एग्जाम्पल नाइनटीन सेवेंटी थ्री के बाद ही आया नाइनटीन सेवनटी थ्री में जब केशवानंद भारती जजमेंट आई उसके बाद आई थी फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट रिमेंबर वो पुराना आर्टिकल थर्टी वन यूज 1978, एट तो इसका मतलब है बेसिक बनने के बाद 1978 में हमने आर्टिकल 31 को यहां से निकाला and we converted it into आर्टिकल 301. That is, हम क्या कर सकते हैं हम किसी फंडामेंटल राइट right को पार्ट थ्री से निकालते हैं और उसको नॉन फंडामेंटल राइट बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं अलाउड है अलाउड है क्यों क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है उसी तरह से एक आर्टिकल नाइनटीन वन एफ हुआ करता था कॉल्ड एस द राइट टू प्रॉपर्टी बाय द सेम अमेंडमेंट फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन हमने इसको रिपील कर दिया डू यू रियलाइज वॉट इज हैपनिंग फंडामेंटल राइट तो तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल राइट आर सेक्रोसैंक नो 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 फंडामेंटल राइट्स आर नो लॉन्गर सेक्रोसैंक वाई Because fundamental rights have not been included as part of the basic structure doctrine the only limit of article 368 is basic structure doctrine of the constitution of india i hope this picture is getting clear <coughs> so what is the summary we have a conflict between article 13 and 368 it was the case of bharti judgment which gave rise to what is called as basic structure doctrine is the case that saved democracy इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई बट देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिस यूज मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है शुड वी और शुड वी नॉट रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर एक तरफ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर से हम पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर से बचे हुए हैं और दूसरी तरफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर अपने आप में एक अनलिमिटेड पावर्स देती है जुडिशरी को सो यू हैव टू बी वेरी केयर